दिल्ली पुलिस ने तीन अधिकारियों की मुअतली की मांग को लेकर सोमवार तो धरने से बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपना धरना खत्म कर दिता है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की अपील से धरना खत्म किया गया। तो दस दिए कि पिछले दो दिन तो अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे सन। उन्हों की मांग सी कि दिल्ली में भ्रिष्ट पुलिस कर्मचारियों पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस के तीन अधिकारियों की मुअतली की मांग को लेकर सोमवार तो धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपना धरना खत्म कर दिता है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की अपील से यह धरना खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े हों, इस देश का संविधान और इस देश का कानून आपसे बड़ा है। संतुलित व्यवहार से चलती हैं, ना कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल से अपने से बड़ों के लिए, ना कि सिनेमाई अंदाज से, ना कि सुर्खियां बटोरने से। आम आदमी की मदद एक संतुलित व्यवहार और एक जुम्मेवार सरकार को चलाकर हो सकती है। आज जब ये इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है तो हम श्री अरविंद केजरीवाल से ये अनुरोध भी करेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण के बाद उनके खुद के और उनकी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के आचरण के बारे में जरूर आत्म मंथन भी करेंगे, पुनर्आकलन भी करेंगे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार में तब्दीली भी लेकर आएंगे। ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी को इस धरने से क्या हासिल हुआ? मुझे लगता है ये सवाल बड़ा गैर वाजिब है, क्योंकि आज से दिल्ली पुलिस की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। यह आज दिखने में बहुत छोटा कदम लग सकता है, लेकिन आज से 10 साल के बाद ये आज का दिन बहुत ही निर्णायक मोड़ साबित होगा, तो इसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। सवाल हर चीज़ पे सड़क पे उतरने का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या दिल्ली की जो सरकार है, शहर के अंदर अपराध होता रहेगा और दिल्ली की सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी? क्योंकि अंततः चेहरा तो दिल्ली सरकार का होगा, लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें दिल्ली सरकार से होंगी और लोग सीधे दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर कोई अपराध होता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ये कह के नहीं निकल सकती है कि वो जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। आज के कदम से बाद दिल्ली की पुलिस को इस बात का एहसास रहेगा कि यहाँ चुनी हुई सरकार की नज़र भी उसके ऊपर है और वो उसके प्रति उत्तरदायी है। अभी तक दिल्ली में जब भी कोई भी मामला होता था तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की, लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। हाँ, हुण देखते हैं कि केजरीवाल का धरना खत्म होने ते लोगों की की प्रतिक्रिया है। अब सफलता तो अब आगे और आने वाले टाइम में पता लगेगी कितनी हमें मिल रही है कितनी नहीं। अभी तो आश्वासन उन्होंने हमें पूरा दे दिया है कि हम इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉर्ट आउट कर देंगे, और काफी हद तक उन्होंने बताया कि जो भी लोग जिन्होंने जलाया था उस लेडी को वो लोग पकड़े गए हैं, उन्हें बंद कर दिया, और आगे का जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से शुभकामनाएं चाहेंगे अपने लिए, कम से कम वो हमारा आगे आने वाले टाइम में साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल मिला जी, हमको जीत मिली। ये दिल्ली के आम आदमी की जीत है जी, जिस पर ये एक प्रशासन कितना अपना जिद पर अड़ा हुआ था कि वो दिल्ली की जनता को कुछ मान ही नहीं रहा था, और आज आम आदमी के प्रेशर से ही ये कुछ संभव हुआ है जो आंशिक एलजी ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल हासिल हुआ है, और दिल्ली पुलिस तो आज तक मतलब तानाशाही रवैया अपनाए बैठी थी, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, दिल्ली में पहली बार हुआ है कि कम से कम हम लोग अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे लीडर हैं तो हम लोग तो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देर से अकल आई है उनकी, ये काम तो इनको परसों कर देना चाहिए। हम लोग इससे खुश हैं। इससे
और मुझे बहुत हर्ष हो रहा अपने पर कि आज केजरीवाल जी की जीत नहीं, सारे लोगों की जीत है, पूरे देश की जीत है। और इस परिवर्तन को जो बदलना चाह रहे थे इसी आंदोलन के जरिए बदलेगी। मैं ये कहता हूँ केजरीवाल ही नहीं, हर एक आदमी इतना प्रसन्न होगा इस चीज से, इतना खुश होगा, इतना हर्षफुल होगा कि मैं बयान नहीं कर सकता इस बात से। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।